अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम हो गया आप सबका इकरा खान ब्लॉग्स में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि मैं बुरखा पहनी हूँ तो आप लोग को तो लग रहा ही होगा कि मैं बाहर जा रही हूँ। तो हाँ, मैं बाहर जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको आगे बताती हूँ, तो अभी के लिए थोड़ा वेट। तो ये वाली शॉप है, हम लोग यहाँ से ज़्यादातर सामान लेते। तो आपका नाम क्या है? उस्मान। उस्मान भाई, तो यहाँ से हम लोग ज़्यादा सामान लेते हैं। एक जगह बैठ जा, फिर बोलती हूँ मैं। तो गाइस, मुझे जहाँ आना था वहाँ मैं आ गई हूँ। तो मैं आप लोगों को जैसे बोली थी मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं यहाँ आई हूँ। तो यहाँ का आपको वीडियो बताऊँगी मैं, जैसे यहाँ पे कैसा रहता है ना, मतलब वॉक करने के लिए अगर खाना खाने के बाद निकल जाना तो मिनिमम 7 से 8 बार अगर अपन वॉक कर लिया ना यहाँ पर आके तो इनफ है। तो हम लोग ना ज़्यादातर यहीं पर ही आके वॉक करते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट आए हैं और अभी मैं थोड़ा सोची कि मैं थोड़ा बैठी, बैठने के बाद फिर अभी वॉक करना स्टार्ट करूँगी। तो यही बताना था आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है यहाँ पे। मतलब हम लोग कभी कभी ऐसे इधर ही आ जाते हैं, जोर से बारिश आवाज़ नहीं आ रही है, बारिश है ना, इसकी वजह से हम लोग आ नहीं रहते। अभी बारिश आज रुकी है तो सोचे चलो आ जाते, तो आ गए। हाँ तो कुछ बोलेगी इकरा? हाँ कुछ बोलेगी। अभी वॉक करने निकली हूँ मैं, अभी थोड़ा 5 मिनट बैठे हम लोग, फिर वॉक करना स्टार्ट किए थे। तो अभी ऐसे वीडियो ऑन करते हुए वॉक तो होगी नहीं, तो हाँ मुझे बंद करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट। लेकिन हील की चप्पल पहन के कौन वॉक करता है? मेरे को शूज़ पहन के आना चाहिए था। हाँ शूज़ पहन के आना चाहिए था, हील की चप्पल पहनी हुई वो इतनी आ गए। दिखाने के लिए स्पेशली सिर्फ दिखाने के लिए आए थे, क्योंकि बारिश नहीं है। बारिश में कितना अच्छा लगता है। मैं वही सोच रही, मैं बोली वॉक कर रही हूँ मैं, वो भी हील की चप्पल पहन के, मुझे शूज़ पहनना चाहिए था। लेकिन वॉक के इरादे से थोड़ी आएगी, वॉक के अभी बारिश का भरोसा भी नहीं आ भी सकता। आ भी सकती हूँ, ये दिखाती हूँ। तो यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग वॉक करने के लिए मोस्टली जाते हैं, हमेशा जाते हैं। बारिश की वजह से जा नहीं रहे, क्योंकि आज थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था, तो हम लोग सोचे चलो वहीं चले जाते, तो वहाँ चले गए थे। और वैसे भी बहुत टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं वॉक करने के लिए, क्योंकि बारिश ही मेन रीज़न है जो हम लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो भाई थोड़ा बैठ जाएंगे बाद में, फिर घर जाएंगे मैं तो बताऊँगी। बस मुझे यहाँ के ही बताना था आप लोग को। अभी हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए, थोड़ा यहाँ पे छाव है। वहाँ एक्चुअली ज़्यादा धूप थी, इसके लिए मानी बैठे थोड़ा आगे आ गए।
जोगेश्वरी में जो जो रहते हैं वो लोगों को पता ही होगा कि ये जगह कौन सी है। हाँ, जो जो यहाँ नहीं रहते जिनको नहीं पता उन लोगों के लिए भी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोली थी कि मुझे बाहर निकल के नर्वसनेस हो कि बनाने के लिए, तो वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। मैं ट्राई कर रही हूँ बाहर बनाने के लिए भी व्लॉग्स, तो अभी धीरे धीरे, देखो मैंने ट्राई की ना मम्मी, धीरे धीरे मैंने ट्राई की, तो अभी भी मैं बस बाहर ही बैठ के बोल रही हूँ। मुझे ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, तो आगे जाके और इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अभी के लिए थोड़ा इतना ही है, बाकी का बात बता। वो बस अभी निकल गए हम लोग घर जाने के लिए, तो बस जा ही रहे हम लोग अभी घर पे, यहाँ से एक बार निकल जाए। और सामने आप लोग एक चीज़ भी दिखा रहे हैं, जोगेश्वरी ये नया बना है ना, दिखाती हूँ एक मिनट। चलो बस निकल ही रहे अभी हम लोग, और ये सामने ये कौन सा हमें क्या जगह है, ये हाईवे या फिर ये वो है ना सात पौड़ी? अरे ये तो जहाँ से जा रही है ये हाईवे, ये हाईवे का है ना ऊपर का, वो मेट्रो का है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है आई लव जोगेश्वरी, ये नया बना है। पहले नहीं था ये, अभी अभी बना है जस्ट। सब मेट्रो का और ये हाईवे, ये पूरा पूरा बन रहा है, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, बन रहा है, ऐसा है ना कि स्टार्ट हो गया है। नहीं अभी कहाँ हुआ है, अभी तो पूरा हुआ है। गाइज अभी मैं बस जस्ट अभी घर आई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो अभी बस एसी चालू करके बैठ गया। ये क्या था, ये नाटक करती है मियाँ, तो वही अभी मैं आके बैठी हूँ जस्ट। तो अभी घर का देख लो आप लोग, घर में अभी क्या बातें हो रही, क्या हो रही है अभी घर का रूटीन, बाहर का तो बता दिया, अभी घर का देख लो। ना 50 बार बाल बनाने पड़ते हैं वापस, कितनी बार? 50 बार दिन भर में 50 बार ये लड़की बाल बनवाती है। सुबह से मैं अभी बाल बना रही हूँ। लेकिन तू करती है हाँ कि ना, खाली इतना बोल ना, ना। ये मैं यहाँ बैठी हूँ, ये मम्मी यहाँ बैठे, ये किंजा, या नानी, या मम्मी। बोलो कुछ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब, वेलकम बैक, बोल यूट्यूब चैनल इकरा खान व्लॉग्स। तो कैसे आप सब, ये लोग घूमकर आ गए थे, देखो बोले थे, इसको बोले थे हमने चल साथ में, तो आई नहीं, अब बोलती कि मेरे को भी आने का था। देखो बोले हम लोग चलते, तू बोली नहीं आती। तो गाइस मालूम मैं क्यों नहीं जाती इन लोगों के साथ में सात पौड़ी, क्योंकि इन लोग ना आधे रास्ते जाते, आधे रास्ते से वापस आ जाते, कुछ भी नहीं नहीं एक बार बने चलने नहीं होता। नहीं नहीं झूठ नहीं बोलना किंजा, खाली फुकर ज़्यादा भी ऐसे ना हाथ ऐसे करके कैमरा करो ना, तो मेरे हाथ में दर्द भरता थोड़ा। हाँ तो बोलो, नहीं मैं पकड़ी हूँ तो पकड़ेगी, मेरे आने में पकड़ी हूँ। अरे दोनों मैं पकड़ती हूँ। और कुछ बोलना है व्यूवर्स को, क्योंकि एक दिन का कल गैप हो गया था, तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ी वीडियो बना रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग देख रहे होंगे मेरा पूरा व्लॉग, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो गाइस। ऐसे ही और ना वहाँ कभी कभी मेला भी लगता है ना, मेला भी लगता है, मेला जब लगेगा ना तब बताऊंगी, अभी तो फिलहाल सब खाली है, वहाँ मेला भी लगता है। मतलब यहाँ पे ऐसी बहुत सी जगह जहाँ पे मेला लगता है, तो जब लगेगा तब बताऊंगी। और कुछ Say something. और इकरा का वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितनी हो सके सपोर्ट करिए इकरा की। थैंक यू। तो बोलो 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 जो हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि उधर में मेला लगता है, तो आप लोग सोच रहे हो कि कैसा लगता है मेला, मेरा हो रही मेला मैं तो बोलती ही रहती हूँ, मेरे को क्या बोलना चाहने का है। नानी आप बोलना, नानी भी बोल दी है, नानी तो नानी ने आज क्या पकाया, नानी को पूछो, नानी आज आपने क्या बनाया घर पे, क्या बनाए मटन मटर के मटर बोले क्या बोले। तो
गाइस ये आज का एक नया ब्लॉग था, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो और मेरे वीडियोज़ को फुल वॉच करना। और बस इतना ही आज का ब्लॉग था, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे दुआ में याद रखना। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।